प्रदेश में करीब 15-20 सालों से मादक पदार्थ तस्करी कर रहे शातिर तस्कर जसाराम उर्फ जसवंत को पकड़ने में जोधपुर रेंज की पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने तस्कर को उसकी बीवी का पीछा कर चंदन नगर कार गैराज से गिरफ्तार किया। पुलिस ने गैराज की घेराबंदी कर तस्कर सहित ड्राइवर और दो मैकेनिकों को भी पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से 2 पिस्टल, 63 कारतूस मिले हैं। सभी कारतूस 9 mm के हैं। यह मूल रूप से बालोतरा जिले के बायतू का रहने वाला है। जोधपुर होकर सालावास जाने वाले वाहन चालकों को सालावास के प्रवेश द्वार पर 500 मीटर सड़क के 2 टुकड़े दर्द दे रहे हैं। लगभग 1.5 साल से यही स्थिति है और आने वाले 1 साल तक इसके यूं ही रहने के आसार है। कारण यहां ब्रिज बन रहा है, इसलिए मुख्य सड़क को मोड़ा गया है और 500 मीटर के यही 2 मोड़ है जहां खड्डे है, पत्थर है, कंक्रीट है, बस डामर नहीं है। वाहन चालकों का कहना है कि जब ये पता है कि ब्रिज बनने में समय लगेगा तो यदि इन 2 टुकड़ों पर रफ डामरीकरण ही कर दिया जाता तो कितना आराम रहता। सुहाने मौसम का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सुरपुरा डैम पहुंच रहे हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण वहां लंबा जाम लग रहा है। प्रशासन ने सुरपुरा पार्क खोलकर कमाई शुरू कर दी है, लेकिन उनकी लापरवाही से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहाँ इतनी भीड़ होती है कि न तो गार्ड, न होम गार्ड और न ही पुलिस ध्यान देती है। वही लोग सड़क पर ही वाहन छोड़ देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है, लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी सत्संग भवन दिलीप नगर लालसागर जोधपुर में जोनल स्तर पर निरंकारी बाल समागम का आयोजन जयपुर जोन के जोनल इंचार्ज संत सुनील बाली जी की अगुवाई में किया गया। समागम में बच्चों ने नाटकों, गीतों, नृत्य, विचारों, कविताओं, कव्वालियों आदि के माध्यम से प्रेम से मिलकर सेवा, संगत, सुमिरन एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने का संदेश दिया। समागम का आयोजन हरिमोहन गहलोत जोनल इंचार्ज जोधपुर की मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर संत सुनील बाली जी ने बाल समागम को संबोधित करते हुए कहा कि बाल संगत से जुड़कर ही बालक आध्यात्मिकता को सीखता हुआ वयस्क होता है, तो वह समाज, परिवार, देश के लिए सच्चा व्यक्ति साबित होता है। इतिहास भी इस बात का गवाह है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। जैसे भक्त प्रहलाद एवं ध्रुव ने भी बाल अवस्था से ही आध्यात्मिकता को अपनाया। आगे बाली जी ने कहा कि परिवार का माहौल बच्चे के विकास लिए महत्वपूर्ण होता है, अतः जो माता पिता स्वयं संगतों में आकर गुरु मत की शिक्षाओं को अपनाए हुए हैं, उनके जीवन का प्रभाव उनके बच्चों पर अवश्य पड़ता है। इसलिए अभिभावकों को बच्चों के सामने भक्ति से मर्यादित जीवन का उदाहरण पेश करने हेतु प्रेरित किया। भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड की पोलित ब्यूरो व केंद्रीय कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक शनिवार को सोजती के बाहर स्थित पार्टी के सभागार में शुरू हुई। झंडारोहण की रस्म अदायगी के साथ ही इस 3 दिवसीय बैठक का विधिवत उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप सिंह ने किया। राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप रांका ने बताया कि आज प्रथम दिन उद्घाटन सत्र के पश्चात बैठक की विधिवत कार्यवाही आरंभ की गई। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने राजनीतिक व संगठनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा गहनतापूर्वक विचार विमर्श कर सुझावों को सम्मिलित कर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। एक घरेलू बछड़ा जिसके पेशाब की थैली में पथरी होने से बछड़े को 2 दिन तक पेशाब करने में परेशानी हो रही थी, उसको अचलाराम बेनीवाल ओसिया वालों ने विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय में लेकर आए। गो चिकित्सालय में अनुभवी मेडिकल टीम ने तुरंत ऑपरेशन थिएटर में पथरी का ऑपरेशन किया, जिसके बाद में बछड़े के पेशाब आनी शुरू हो गई। मुख्य चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नागेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि इस बछड़े को 2 दिन से पेशाब नहीं हो रही थी, जिसका ऑपरेशन किया गया है एवं पूर्ण स्वस्थ होने तक इसका अलग से ध्यान रखा जाएगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।